सुषमा फ्रॉम न्यू एरा ग्लोबल किड्स. हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड सेफ एट होम. लेट अस स्टार्ट प्रेयर. जॉइंट योर हैंड्स, क्लोज योर आईज. बाजू में स्टैंडिंग लाइन, इसको ज्वाइंट करते हुए ब्लू
घ घ से कड़ी। फिर आपको नीचे ऐसे लिखा है ब्लू लाइन से सी कर्व, उसके उससे ज्वाइंट करते हुए अगेन सी कर्व, नीचे से थोड़ा सा लंबा करना है, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन जो इसको टच करते हुए जाएगी, ऊपर ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक टच करना है, ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये हमारा बन गया ख। कौन कौन सी पिक्चर्स बताई हैं आपको, बोर्ड पे बना भी रखी है मैंने कौन कौन सी पिक्चर्स हैं, अब आप मुझे बताएंगे कौन कौन सी पिक्चर्स बनाई है मैंने। ख से खर, ख से घड़ा, घ से घड़ी। कौन कौन सी पिक्चर्स होती है अब आप मुझे बताइए, और भी पिक्चर्स होती हैं सोचो। सी कर्व बनाया, फिर उससे ज्वाइंट करते हुए मैं अगेन सी कर्व बनाना है, नीचे से लंबा रहेगा और उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, इसको टच करते हुए ऊपर स्लीपिंग लाइन, और ये हमारा बन गया घ। घ से घर, घ से घड़ा भी होता है, घ से घड़ी भी होती है, और ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये हमको अक्षर रचना की टेक्स्ट बुक में इस तरीके से हमें लाइंस दी हुई हैं, और उन लाइंस में हमें कैसे लिखना है, ठीक है। अब देखिए फिर से ब्लू लाइन से हमें लिखना है सी कर्व, इससे ज्वाइन करते हुए अगेन सी कर्व, ये नीचे से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक टच करेगी, ऊपर स्लीपिंग लाइन। हमारा बन गया ख। कौन कौन सी देखिए ब्लू लाइन, अगेन सी कर्व इससे ज्वाइन करते हुए, और उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक लाइन टच होनी चाहिए, और इस लाइन से भी टच होनी चाहिए, ऊपर स्लीपिंग लाइन। हमारा बन गया घ। घ से घर, हाफ कर्व, हाफ सी कर्व, अगेन हाफ सी कर्व, थोड़ा नीचे से पड़ा जाएगा, और उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, इसको ज्वाइन करना है ऊपर स्लीपिंग लाइन। घ घ से घड़ी, फिर सी कर्व, अगेन सी कर्व इससे ज्वाइन, नीचे से लंबा, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये हमारा बन गया ख। अब हम अक्षर रचना में कैसे करेंगे मैं वो सिखाती हूँ। ये हमारी अक्षर रचना पेज नंबर 20। हमारा व्यंजन, व्यंजन का फोर्थ अक्षर कौन सा है, घ। ऊपर हमको डेट डालनी है, नीचे हमको सी डब्ल्यू लिखना है। घ से घोड़ा, घ से घर, ठीक है। मैंने आपको पिक्चर्स बताई और घ से क्या होता है, घ से घड़ा, घ से घड़ी, ठीक है। अब इसको कैसे ट्रेस करना है देखिए मैं आपको सिखाती हूँ। यहाँ मैं डॉटेड दिए हुए हैं, यहाँ मैं लाइंस देखिए किस तरीके से दी हुई हैं, कैसे लिखा हुआ है, ये मैं आपको सिखा रही हूँ कैसे लिखना है, कैसे ट्रेस करना है देखिए। ये सी कर्व, ब्लू ब्लू लाइन से हमें स्टार्ट करना है, सी कर्व बनाया, फिर यहीं से ज्वाइन करते हुए अगेन सी कर्व, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, और ये इसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन जो इसको टच करती हुई जाएगी, ये स्टैंडिंग लाइन ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक टच करेगी, और ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये हमारा बन गया घ। फिर सी कर्व, यहाँ से ज्वाइन करते हुए अगेन सी कर्व, ये लाइन लंबी जाएगी, थोड़ी सी लंबी रखनी है, और उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन और ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये हमारा बन गया घ। घ से घोड़ा, सी कर्व, अगेन सी कर्व, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये हमारा बन गया घ। घ से घर, फिर सी कर्व, अगेन सी कर्व ज्वाइन करते हुए, और ये स्टैंडिंग लाइन ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक टच होनी चाहिए, ऊपर स्लीपिंग लाइन। ऐसे हमको ये ट्रेस करना है, ठीक है।
सीकर, अगेन सीकर ज्वाइन करते हुए स्टैंडिंग लाइन और ऊपर स्लीपिंग लाइन, सीकर उसके बाद उससे ज्वाइन करते हुए अगेन सीकर, नीचे से लाइन लंबी रखनी है, स्टैंडिंग लाइन ऊपर स्लीपिंग लाइन। देखिए कैसे ट्रेस करना है, ब्लू लाइन से टच करते हुए सीकर, उससे फिर ज्वाइन करते हुए अगेन सीकर, स्टैंडिंग लाइन उसके बाजू में, ऊपर स्लीपिंग लाइन। ऐसे हमको ये ट्रेस करना है, ये डॉट दिए हुए हैं, ये आपको करना है बच्चों, ठीक है। ये मैंने किया है, अब ये आपको ट्रेस करना है, कैसे करना है, ये आपको डॉट दिए हुए हैं। अब इन बॉक्स में कैसे लिखना है मैं आपको सिखाती हूँ। ये ब्लू लाइन से, ब्लू लाइन दी हुई है ना, हमें इसके बीच में लिखना है। देखिए ब्लू लाइन से टच करते हुए सी कर्व, इससे ज्वाइन करते हुए अगेन सी कर्व, और ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक टच करनी है स्टैंडिंग लाइन और ऊपर स्लीपिंग लाइन, ठीक है। ऐसे हमको इन बॉक्सेस में लिखना है, सी कर्व ब्लू लाइन से टच करते हुए और अगेन सी कर्व, उसके बाजू में स्टैंडिंग लाइन, ये लाइन इससे टच होनी चाहिए, ये स्टैंडिंग लाइन ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक टच होनी चाहिए, ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये हमारा बन गया घ। घ से कौन कौन सी पिक्चर्स होती हैं, घ से घर, घ से घोड़ा। ये आपको सी डब्ल्यू में करना है, यहाँ पे आपको होमवर्क लिखना है। ये लाइंस दी हुई हैं इन बॉक्स में, हमको लिखना है, कैसे लिखना है मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है, और इसमें हमको कलर करना है, ठीक है। इसमें कौन से कलर करने हैं वो आपकी मम्मा आपको बता देंगी, आप अपनी मर्जी से भी कलर कर सकते हैं, ठीक है।